पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा घेणं आवश्यक असल्याचं विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्राध्यापक रजनीश जैन म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचंही ते म्हणालेले आहेत. असं असलं तरी त्यांच्या विधानामुळे परीक्षांबाबत पुन्हा संभ्रम वाढलाय. तेव्हा एकीकडे पदवी आणि पदव्युत्तर च्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा आपण घेऊ शकत नाही असं उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलेलं असतानाच आता UGC सचिवांच्या विधानामुळे आता पुन्हा संभ्रम निर्माण झालाय. कारण का सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावंच, मात्र अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणं आवश्यक असल्याचं मत त्यांनी मांडलंय. कुछ राज्यों में ये जानकारी मिली है कि वहाँ ये अनाउंसमेंट किया गया है कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी. तो इस आदेश आने के बाद में या UGC की जो गाइडलाइन आई है उसके परिप्रेक्ष्य में या गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो निर्देश आए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में मुझे उम्मीद है कि ये सभी राज्य सरकारें जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है वो अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करेंगी और वहाँ भी अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएँ कराई जाएंगी, क्योंकि ये छात्रों के व्यापक हित में है, उनके दूरगामी हित में है, इसलिए परीक्षाओं का होना ज़रूरी है. मगर इसके साथ साथ सभी को इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो.